राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में 14 सितंबर को पेंशन महारैली का आयोजन किया जाएगा। महारैली की तैयारियों को लेकर रविवार को जिला स्तरीय बैठक का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 1 मालगोदाम रोड में जिला अध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पेंशन महारैली की तैयारियों को लेकर चर्चा कर जिम्मेदारी सौंपी गई। आगामी 18 सितंबर को राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली पेंशन महारैली की जिला स्तरीय तैयारियों को लेकर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 1 मालगोदाम रोड में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी ने पेंशन को कर्मचारी का हक बताया और NPS मुद्दे को कर्मचारी के परिवार का मुद्दा बताते हुए NPS बंद कर GPF बहाल करने की एक सूत्रीय मांग पर आयोजित रैली में बड़ी संख्या में शिक्षकों व कर्मचारियों से रैली में भाग लेने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष गोस्वामी ने हमारे संवाददाता से रूबरू होते हुए पेंशन महारैली की जानकारी दी। वर्ष 2004 के बाद में नियुक्त कर्मचारियों पर राज्य सरकार की ओर से नवीन पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। इस नवीन पेंशन योजना का कर्मचारी और उनके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस नवीन पेंशन योजना के दायरे से जो भी कर्मचारी अभी तक सेवानिवृत्त हुआ है उसको मात्र 1,200-1,500 रुपये और 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। इस पेंशन योजना को परिवर्तित कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग संगठन की ओर से और राज्य के कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से की जा रही है। सरकार हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आगामी 18 सितंबर को राजधानी जयपुर में एक बहुत बड़ी पेंशन महारैली आयोजित की जा रही है। महारैली में राज्य के NPS धारी करीब 6.5 लाख राज्य कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। बाड़मेर जिला शाखा ने आज इस रैली की तैयारी के लिए अपनी बैठक आयोजित की है और आगामी 18 सितंबर को आयोजित होने वाली पेंशन महारैली में बाड़मेर जिले के हजारों कर्मचारी बाड़मेर जिला मुख्यालय के साथ 17 पंचायत समिति मुख्यालयों से रवाना होंगे। रैली के बाद में अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम आगामी विधानसभा चुनाव 2018 में इस सरकार को जवाब देंगे और इस सत्ताधारी BJP के साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी से भी अपील है कि वो अपने विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र के अंदर कर्मचारियों की इस नवीन पेंशन योजना मुद्दे को लेकर अपना रुख स्पष्ट करें। इस अवसर पर आगामी 12 सितंबर को पेंशन चेतना दिवस के रूप में मनाने की जिला संगठन की ओर से घोषणा की गई। साथ ही 12 सितंबर को शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से पंचायत समिति मुख्यालयों पर गेट मीटिंग पर उपखंड प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। बैठक में नवनियुक्त जिला सह प्रवक्ता शांति प्रकाश गौड़ का अभिनंदन किया गया। साथ ही आगामी 28 व 29 को आयोजित जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष की ओर से शिक्षक भर्ती 2013 चयनित व जिला प्राथमिक विद्यालय प्रतिनिधि जगदीश चंद्र चौधरी को नियुक्त किया गया। बैठक में जिला व ब्लॉक पदाधिकारी कार्यकर्ता शिक्षक व विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।